गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हमारा टर्म है हिंदी कविता। आज हमारा टर्म है किसका? हिंदी कविता का। तो आज हम पढ़ेंगे, मेरी कविता का जो नाम है वो क्या है? सवेरा। अगर आपके पास पुस्तक आप लोग खरीद लिए हैं कविता का, आप निकालिए, पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है सवेरा। और जिसने नहीं खरीदा है वो बच्चे भी खरीद लीजिए पुस्तक, ताकि बुक रहती है, पुस्तक रहती है, तो आपको पढ़ने में आसानी रहती है। चलिए पढ़ते हैं। दिया है पहला हमारा सवेरा। पहला कविता हमारे किताब का क्या दिया है? सवेरा। अगर आपको इसको याद कर लेंगे और आपसे कोई पूछेगा बेटा एक हमको हिंदी कविता सुनाइए, तो आप झटपट सुना सकते हैं। उसके लिए पहले हमको पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई करके याद करनी होगी, तभी तो सुनाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। बोले सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि ये देखिए इन बच्चों की जो मम्मी हैं, माता जी हैं, वो ये हैं। और इस चित्र में देखिए आप लोग, ये बच्चे क्या हुए हैं? सोए हुए हैं। उनकी मम्मी उनको उठा रही हैं और क्या कह रही हैं कि सूरज निकला। ये देखिए इस चित्र में क्या निकला है? सूरज निकला है। और देखो बच्चों हुआ सवेरा, बच्चों को उठा के इनकी मम्मी कह रही हैं कि देखिए बच्चे उठ जाइए, क्या हो गया है? सवेरा हो गया है। फिर क्या कह रही हैं? आया मीठी हवा का फेरा। उन्होंने खिड़की खोल दी है, जिससे क्या हो रहा है? जो हवा आ रही है वो कैसी है? मीठी मीठी है। चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा। अब इस चित्र में देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चिड़िया है वो अपने बसेरा, अपने घोंसले से छोड़ के जा रही है कहाँ? दाना वाना लाने। तो जागो बच्चों अब मत सो, तो ये बच्चों को उठा के कह रही हैं उनकी मम्मी, जैसे हमारी मम्मी कहती हैं जल्दी उठिए, स्कूल जाना है, लेट हो गया है, नाश्ता करिए, फ्रेश होइए, ये सब करती हैं लोग ना मम्मी हम लोग की। वैसे ही इन बच्चों की मम्मी उनको उठा के कह रही हैं कि जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। जो सुबह का समय होता है वो बहुत हमारे लिए कीमती होता है। हमें सुबह के समय सबसे पहले बड़ों का पैर छूना चाहिए, मम्मी पापा दादा दादी आपके घर में जो भी है उनका पैर छूना चाहिए सो के उठ के, फिर हमें फ्रेश होना चाहिए, फिर हमको बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। अगर स्कूल की टाइमिंग से पहले उठे हैं तो अपनी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना चाहिए, फिर स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए। तो अभी तो इस समय हमारा स्कूल बंद है, तो हमको क्या करना है? घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। तो इसलिए हमको अपने समय पर कीमती समय पर उठ जाना चाहिए। जो हमारा समय है उसको खत्म नष्ट नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। तो आइए फिर एक बार पढ़ लेते हैं। सूरज निकला मीठा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़िया ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। जो ये खो है खो उसको, ठीक है? तो आप इसको याद करके व्हाट्सएप वीडियो बना के मुझे सेंड करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।